कितना सुधरा आपका वार्ड पिछले 5 सालों में, हालात सुधरे या समस्याएं हैं जस की तस। हम आएंगे आपके पास और तहकीकात करेंगे हर समस्या पर। देखिए फरीदाबाद के हर वार्ड पर हमारी खास पेशकश आपका वार्ड आपका फैसला, रोजाना रात 8 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। BVM न्यूज़ की खास प्रस्तुति आपका वार्ड आपका फैसला में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 में और जानेंगे यहां की लोगों की समस्याएं। आखिर जो 5 साल पहले यहां के जो पार्षद थे उन्होंने क्या क्या वादे जनता से किए थे और कितने वादे यहां पर पूरे हो पाए हैं, क्योंकि लोगों को यहां पर सड़कों की सुविधा ना मिल पा रही है, ना ही पानी की व्यवस्था है। सीवर की जो समस्याएँ हैं वो यहाँ पर जस की तस बनी हुई हैं। लोगों को अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। लोगों से जानेंगे कि जो वादे पिछले पार्षदों ने इनके साथ किए थे आखिर वो कितने पूरे हो पाए हैं और कितने अभी भी रहे हुए हैं। जनता से साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या समस्याएं थी उनकी और उनका किस तरह से निपटारा किया जा सकता था। तो जानेंगे उन लोगों से और पूछेंगे कि किस तरह की क्या क्या समस्याएं यहाँ को उनको झेलनी पड़ती है और इनकी जो वार्ड नंबर 6 है यहाँ पर उनको किस किस तरह की समस्याएं उठानी पड़ती हैं और क्या क्या समस्याएं जो पर डे इनको जो है महसूस करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, जो वार्ड नंबर 6 है आपका, क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको यहाँ पर उठानी पड़ती हैं? पानी यहाँ पे नहीं है और तुम्हारी नाली यहाँ साफ नहीं होती, सिविर यहाँ साफ नहीं होते, यहाँ तो कोई भी समस्या है ही नहीं। हल रोड पे पानी भरता, आज शुक्र है पानी तो नहीं भर रहा, नहीं इतने 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 पानी में चलते हैं। वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 6 पानी की जो समस्याएं हैं तो किस तरह से पानी की समस्या से आप दूर करते हैं, कैसे अपने दिनचर्या को पानी की शुरुआत? कहीं से आ जाता किसी का सवर सिवर का तो भर लेते हैं, नहीं आता तो नहीं से टैंकर से भरते हैं। मोल का पानी भरते हैं। पुराने पार्षदों ने जब चुनाव के समय आते हैं वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, तमाम वादे करते हैं, फिर उन समस्याओं को दूर नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या क्या रोड की जो समस्याएं हैं वार्ड नंबर 6 में, कैसे देखते हैं आप इन समस्याओं को? हाँ, मेरे घर के सामने पानी भरा रहता है, आधा रोड बनाया आधा नहीं बनाया। हाँ, दिक्कत होती है निकलने बैठने के लिए। तो दिक्कत और भी है और लोगों से जानेंगे क्या क्या दिक्कत भैया। सब चीज़ है, पानी के नाली नाला सब गंदगी, कोई साफ न करे सूफ न करे, गंदगी में बैठे पड़े हैं भैया। मोल का पानी पी रहे हैं, मोल का पानी नहाने धोने ले रहे हैं, कितना पानी जनता खड़े यहाँ पर। सब जब जो जब पिछले साल 5 साल पहले की जो बात करूं, आपका पार्षद था, अब आपसे वोट मांगने आया था, बहुत तमाम वादे किए होंगे उन्होंने, झांकने कोई नहीं आया भैया, यहाँ पर कोई नहीं आया, बस लगता तो हाथ जोड़ जब भी आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते, पर उसके बाद कोई नहीं आता। अब जो आप अब दोबारा से पार्षद के चुनाव होने जा रहे हैं, उम्मीदवार फिर से आपके पास आएंगे, क्या चाहेंगे, क्या आपको सुविधा? भैया मेरे बस ये रोड बना दें, नाली सही कर दें, पानी शुद्ध शुद्ध बस जो चीज़ चाहिए, तीन मीठा पानी आवे, रोड सही कर दें, नाली सही कर दें, मीठा पानी दे दें, बस और क्या काम हमारे को। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अपनी मांगे रखते हैं ताकि उनके जो पार्षद है वो इनको दूर कर सके और जो जो समाधान है वो लोगों को जो है निकाल सके। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या क्या समस्याएं आप इनके वार्ड में बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है मेरा। मनोज जी, क्या क्या समस्याएं मुख्यतः यहाँ पे बनी हुई हैं वार्ड में? मुख्यतः जैसे कि सभी लोग जानते हैं सारी समस्याएं, जैसे पहले नंबर रोड है, पानी की निकासी नहीं है, ना पीने का पानी है यहाँ पे। हम आने वाले जो भी अब नेता होगा उससे यही कहा जाएगा पहले हमारी समस्या हल की जाए, उसके बाद ही वोट मिलेगी। आज से पहले जो यहाँ पे पार्षद हैं विधायक हैं, ना तो कभी आते हैं ना देखते हैं, जबकि हमारे विधायक बिल्कुल पास के हैं और जो पार्षद रहे 5 साल उनकी कभी किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। तो चुनाव के समय तो आते हैं, मुलाकात करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते? नहीं, उसके बाद नज़र नहीं आते। दोबारा से उम्मीदवार आएंगे आपके पास चुनाव में वोट मांगने के लिए, क्या क्या रखेंगे उनसे? कि सबसे पहले हमें सुविधा मिलनी चाहिए, शिविर साफ होने चाहिए, हमारे पानी मीठा मीठा मिलना चाहिए, ना खारी मिलो ना मीठा, लेटरिन धोने तक को पानी नहीं मिलता, आज में मोल का पानी खरीदना पड़ता है हमें, और यदि कोई जमादारों को जो फोन करेंगे सुनते नहीं है, तीन दिन चार चार दिन गलियों में पानी भरा रहता है, यदि घोटू घोटू पानी में बच्चे निकलते हैं, हमारे बच्चों के खोपड़े तक के फूट गए हैं। आज के विधायक ने हमारे जो पार्षद थे उनसे आपने इस बारे में कभी शिकायत चर्चा की? सबसे करी है हमने, कई बार करी है, उन्होंने कह दिया हमारा काम खत्म है। हाँ, तो विधायक के पास तो नहीं जा पाते होंगे क्योंकि विधायक बहुत दूर पड़ते हैं और जो छोटी छोटी अभी नए विधायक के पास में हम जो है नागेंद्र भराना के पास में होके आए हैं पानी के लिए, पर कोई सुनाई नहीं है। हमारे साथ ऐसा दो किया गया, आधा रोड बनाया और आधा नहीं बनाया, इसके लिए हम कहाँ जाएं शिकायत करने?
साफ तौर पर बाढ़ की जो समस्या होती है वो पार्षद के पास जाते हैं, विधायक काफी दूर होते हैं, सांसद हैं वो दूर होते हैं, जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उनको विधायक जो पार्षद है वो ही पूरी करता है। लेकिन मई 2015 से जो पार्षद हैं वो भंग हो चुके हैं, कोई पार्षद यहाँ पर अब मौजूद नहीं है जिससे अपनी शिकायत दरकार लगा सकें, नए पार्षद की उम्मीद लोग लगाए हुए हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और भी लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और जिनको वो समाधान के लिए नए वार्ड जो पार्षद खड़ा होगा उनसे उन उम्मीद रखेंगे कि उनको दूर कर सकें। क्या नाम भैया सर? करण राणा। करण जी, क्या समस्याएं हैं मुख्यतः आपके वार्ड नंबर 6 की और किस तरह से समाधान किया जा सकता है? भैया समस्या गिनाने लोगों को तो समस्याएँ कम पड़ जाएंगी, गिनती कम पड़ जाएगी, समस्याएँ खत्म नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात है ये रोड है, रोड के लिए कंप्लेंट करिए कई बार, जैसे तैसे करके आधा रोड तो बना दिया, उसके आगे बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जो ठेकेदार है ठेकेदार से बोलो, ठेकेदार कहता पैसे ही नहीं मिलते भैया हमें, इतने आधे के पैसे मिले, आधा मिल गया, आधा बना दिया मैंने, आगे का नहीं बना रहा, जब पैसे कभी मिलेंगे तब बना के दूंगा। नालियां नजर नहीं आ रही हैं पूरे, नालियां भैया संडे को आके देखोगे ना यहाँ पानी भरा होगा। मैं तो कहता हूँ अगर संडे तो छोड़ो, अभी बीच में अगर थोड़ी सी इतनी सी बारिश होगी ना यहाँ पानी के पानी होता बस, और कुछ नहीं होता है, ना निकालने का कोई जुगाड़ है ना ही आने का। और पानी रही बात, पानी तो आता ही नहीं है, खारा पानी आता है, खारे पानी में क्या तो नहा लोगे और क्या पी लोगे। तो साफ तौर पर नालियां नहीं नजर आ रही यहाँ पर, क्योंकि नालियां बनी हैं या नहीं बनी है ये अलग सवाल है। पानी अगर यहाँ पर बारिश जरा सी भी आती है तो पूरे सड़कों पर पानी ही पानी भर जाता है, दिखाना चाहूंगा छोटी छोटी गलियां हैं। नालियां हैं लेकिन वो बेकार है, नीची पड़ी हुई है, ना उन्हें कोई बनाने के लिए, नाली है गलियों में छोटी, एक गली का मैं दौरा कराना चाहूंगा आपको, वो गली देखो जरा आप अपने कैमरे में दिखाओ, मैं कहूंगा आप कैमरे में दिखाना चाहो। सफाई नहीं होती यहाँ पे, कोई नहीं आता, सफाई कर्मी सुनते नहीं है ना कोई आता है। तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, नाली की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। लोग जो अपना नया उम्मीदवार चुनेंगे उनसे रखेंगे, दरकार करेंगे कि ये समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। साथ ही साथ हमने सुनाया कि जनता किस तरह से परेशान है अपने वार्ड को लेकर, अब आपको उन उम्मीदवारों की भी सुना देते हैं जो जनता के बीच में पहुँचेंगे और उन अपनी समस्याओं को, जो बाढ़ की समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात वो रखेंगे, एक झलक उनकी भी सुना देते हैं कि आखिर उन उम्मीदवारों का क्या कहना है। वार्ड नंबर 6 में 3 समस्याएं हैं जो भी एक नगर निगम क्षेत्र की समस्याएं हैं, एक तो पीने का मीठा पानी, दूसरा सफाई और तीसरा ट्रैफिक। सफाई के लिए एक विशेष योजना पे हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि जमादारों के लिए भी दिक्कत है, जमादार आते नहीं, उसके लिए मोहल्ले स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो जमादारों का ध्यान रखेगी, क्योंकि पीछे से सफाई कर्मचारियों की संख्या होने के बाद भी सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते। इसके लिए जो भी आज के टाइम में सत्ता में लोग बाग हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं रख पा रहे कि कितने सफाई कर्मचारी आने चाहिए। मीठे पानी का मंत्री पंडित शिवचंद्र शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में पानी की टंकी बनवाई थी, सरकारी तौर पर उन पर काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी बचा हुआ है। अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले उस योजना को असली जामा पहनाऊंगा, तथा एक अपने कार्यकाल में उन्होंने गंगा नहर का भी शुरू किया था, अब इस विधायक के तो भरोसे नहीं है, अगर कुछ भी संभव बन पड़ा तो वार्ड में मीठा पानी दोनों साइड से आएगा, रेनीवेल का भी और नहर का भी। इसका इलाज भैया जी, पिछले समय जब पंडित शिवचंद्र शर्मा मंत्री जी थे उस समय पे इन गंदे नाले पे बूस्टर बनाया गया था जो 24 घंटे चलता था। मैं तो आज भी कहता हूँ उस बूस्टर को अगर 24 घंटे चलाया जाए तो पानी की समस्या का हल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बूस्टर चलता नहीं है, सरकारी कर्मचारी उसका डीजल बेच देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब अफसरों ने मिलकर एक कुएं का रेनीवेल के कुएं का बनाया है, लेकिन वहाँ भी यही बात आएगी, जब तक वो कुएं का मोटर पूरी प्रॉपर चलेगी नहीं तब तक पानी मोटर खींचेगी कैसे। जनता अगर मुझे यहाँ से चुनकर नगर निगम भेजती है, जो भी समस्या होगी वार्ड में गंदगी जैसे है, कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ रहे सफाई के लिए, और सारी सफाई व्यवस्था की जाएगी, और जो भी अपने यहाँ पानी का ट्यूबवेल है पानी का ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे, और जो कर्मचारी टाइम पर नहीं आते काम है सारे और व्यवस्था की जाएगी उनकी, गंदे पानी निकासी के लिए नाले बंद पड़े सारे नाले खुलवाए जाएंगे, और जो भी अपने हाउस की बोर्डिंग मीटिंग सारे मुद्दे जनता के मैं उठाऊंगा जाके, पूरी कोशिश करूंगा जनता मेरा सहयोग करे। चुनाव सर यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई नाली साफ नहीं है, सारे नाले जाम पर हैं, पानी यहाँ आ नहीं रहा बिल्कुल भी, पानी को बिल्कुल सारा खराब पानी है सर। ये सरकारी कमी है, कोई काम नहीं हो रहे, पिछले सरकार ने जो काम किया सीवर लाइन छोटी डाली है, सारी सीवर लाइन बड़ी डाली जाएंगी, सारा पानी रुका हुआ है, सीवर ब्लॉक पड़े हैं सारे यहाँ पे। सर मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 6 से भाभी प्रत्याशी हूँ, रतनपाल चौहान मेरा नाम है। क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है गंदगी को लेकर और सीवर की जो प्रॉब्लम है,
और नाली वगैरह की और रोडों की, ये मोटी मोटी जनता के लिए ये 4-5 समस्या रहती है पानी को लेकर। तो जो मेन कारण है जनता सबसे ज़्यादा दुखी तो इसलिए है कि शिवर का जो पानी है वार्ड नंबर क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा गली और रोड पे भरा हुआ होता है, जिसकी बदबू के कारण क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं, बीमारियां फैलती हैं, निकलने में असमर्थ रहते हैं। और दूसरा नंबर सफाई, जो क्षेत्र की सफाई है वो नहीं होती, क्षेत्र के अंदर सारी गंदगी नालियों पे और रोडों पे पड़ी होती है, जिसके कारण कीटाणु बहुत होते हैं और जो नगर निगम है वो उनकी सफाई नहीं कर पाते हैं, नालियों की सफाई में गंद भरी होती है। और पानी की समस्या, क्षेत्र के अंदर ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं है, जिससे कि जनता को खारा और मीठा पानी नहीं आ रहा है, उससे परेशान रहती है क्षेत्र की जनता वार्ड नंबर 6 की। अगर वार्ड नंबर 6 की जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं बता देना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों को कि मैं इन सुविधाओं के अगर नगर में जाके इन सारे मुद्दों को उठाऊंगा और उसके तहत लोगों की समस्याओं को मुहैया कराऊंगा, सरकार के होते हुए वहाँ के मेयर के साथ बैठ के, सरकार के केंद्रीय मंत्री, सरकार में विधायक के साथ बैठकर क्षेत्र को रोड बनवाने का काम करूँगा, क्षेत्र की सीवर जो समस्या प्रॉब्लम है क्षेत्र के लिए उसको ख़त्म कराऊँगा और नाली वगैरह जो जितने कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को समाधान ख़त्म करा के मुहैया कराऊँगा। जनता के अंदर सबसे पहले तो मीठे पानी का मुद्दा है मेरे लिए कि जनता के प्रत्येक घर में मीठा पानी पहुंचा सकूं और उसके लिए मेरा पूरा संघर्ष कर रहा हूं मैं। पार्षद बनते पहला काम मेरा मीठा पानी देने का है और वहां पर जो पक्की सड़कें बनवाने का है, पक्की गलियां और जनता के बीच में कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं यहां पर जो समाज के लिए अच्छा काम करती हैं उनके लिए कार्यालय मुहैया कराना, विधायक और सांसद से बात कर सरकार से भी वो आवेदन करूंगा कि जो हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनके लिए ऐसा कार्यालय दिया जाए ताकि एक जगह बैठ के वो और आम जनता की समस्याओं को वो उठा सकें। और सीवरेज का है, जो नाली जो सीवरेज बनाई गई हैं उस सीवरेज को सही तरीके से बनाया जाएगा, बेस पक्का करके और अच्छे क्वालिटी के पाइप लगाए जाएंगे और जहाँ पर गली का और सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से मोटाई देख कर वहाँ पाइप लगवाई जाएगी। और जगह जगह जो भी हमारे जहाँ खाली नगर निगम की ज़मीन है, अभी भी नगर निगम की ज़मीनें बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर कुछ अवैध भूमाफियाओं ने उस ज़मीनों को कब्जा कर रखा है, उस ज़मीनों को कब्जे को हटाकर वो ज़मीनें जनता के लिए सुपुर्द किया जाएगा और उन ज़मीनों पर सामुदायिक भवन, शादी ब्याह के लिए जगह और उस एरिए के लिए पार्क, कुछ ऐसे काम है जो समाज के लिए और क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से उम्मीदवार इन मामलों को समाधान करने की बात कर रहे हैं, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनको गिना के नजर आए हैं, लेकिन जो जनता है वो तय करेगी इन उम्मीदवारों का भविष्य, इनको किसको कुर्सी पर बैठाना है और किसको नीचे गिराना है। आज की रिपोर्ट में वार्ड नंबर 6 से फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BVM न्यूज। कितना सुधरा आपका वार्ड पिछले 5 सालों में, हालात सुधरे या समस्याएं हैं जस की तस, हम आएंगे आपके पास और तहकीकात करेंगे हर समस्या पर। देखिए फरीदाबाद के हर वार्ड पर हमारी खास पेशकश आपका वार्ड आपका फैसला रोजाना रात 8 बजे।